अब बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए शिवसेना ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिवसेना ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आदित्य ठाकरे की अगुवाई में शनिवार को शिवसेना का घोषणा पत्र जारी किया गया। मैनिफेस्टो में बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तस्वीर है। मैनिफेस्टो में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय, हर जिले में एक महिला बचत घर, कामकाजी महिलाओं के लिए सरकारी हॉस्टल, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को दुरुस्त करने का वादा किया गया है। मैनिफेस्टो लॉन्च करने के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी था, लेकिन मौजूदा घोषणा पत्र दूसरे प्रदेश के लिए है। आरे हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने मुंबई और थाने के लिए भी मैनिफेस्टो तैयार किया था, अभी भी आरे को वन क्षेत्र बनाने पर हम अड़े हैं। मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें क्षेत्रवादी और धर्मनिरपेक्ष कहा जाता था। दशकों पहले हमारे पास भूमि पुत्र का मुद्दा था, अब कांग्रेस और एनसीपी बेकार हो गए हैं, इसीलिए वो भूमि पुत्र का मुद्दा उठा रहे हैं। इसी बैठक में आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। अगले 5 साल में अलग अलग योजनाओं जैसे कि बिजली बिल घटाने, 10 रुपये में खाना मुहैया कराने पर कितना खर्च आएगा, इस पर भी घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। ठाकरे ने राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, क्योंकि प्रदेश में चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू है। सबसे अहम बात जो हमारे टॉप 10 मुद्दे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जो 300 यूनिट तक है उसको 30% से घटाएंगे, वो तो है। महाराष्ट्र में 1000 भोजनालय हम ऐसे बनाने वाले हैं जहां 10 रुपए में न्यूट्रिशियस मील्स मिलेंगे, वहां जो महिला बचत गट है उनको साथ में लेके करेंगे। काफ़ी सारे मुद्दे जैसे स्कूली शिक्षा के लिए, गांव से लेके स्कूल तक है, गांव से लेके कॉलेज तक जाने के लिए जो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बसेस नहीं रहती है, एसटी बस रहती है, कभी छूट गई तो कॉलेज तक पहुँचते नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल बस सेवा शुरू करेंगे। किसानों के लिए तो हमने कहा है कि 2-3 सबसे अहम मुद्दे मुझे लगता है। पहले तो 10,000 रुपये प्रति साल जो किसान जिन्हें ज़रूरत है उसको देने की बात की है। दूसरा, उनका जो सारा कर्ज है उनको कर्ज मुक्त कर देंगे। तीसरी बात ये भी है कि जो सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह रहते हैं उनके प्राइस, उनके दाम हर साल बढ़ते रहते हैं, उनको 5 साल के लिए एक रखने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं। पीक बीमा योजना जो है, फसल बीमा योजना, उसमें भी जिसका नुकसान होता है उसको सीधा बीमा मिलेगा, क्योंकि अभी गांव का पूरा नुकसान हुआ तो ही मिलता है, हर एक इंडिविजुअल को नहीं मिलता है। तो ये सारे बदलाव हम लाने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और जैसे मैंने कहा कि ये सारे वचन है उसको पूरे कर